नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका बहुत बहुत स्वागत ओम शांति ओम सिर्फ GNT पे। चलिए हम इस प्रोग्राम का शुरुआत करेंगे ओम के उच्चारण के साथ। तो आप बैठ जाइए कोई भी कंफर्टेबल सीटेड पोस्चर में। बस ये ध्यान में रखिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, ठुड्डी थोड़ी सी छाती की ओर। लंबी गहरी सांस लें। ओम बोलने के पहले आपको अपना माइंड को सेंटर कर लेना चाहिए, अपना फोकस जो बिंदु है आईब्राउ सेंटर में वहां पे ले आइए। हाथ को जोड़िए शांति 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 हरि ओम। तत्सत। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम बिल्कुल फोकस्ड माइंड रखें। ये नहीं कि कहीं माइंड वहाँ जा रहा है वहाँ जाएगा, ये होता है, सबके साथ होता है। पर अब ये कोशिश करिए कि पूरा फोकस करिए वो ओम की साउंड पर। और इसमें हम लोग एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके इष्ट देवता हैं आप उनका इमेज, उनका जो पिक्चर है आप अपने माइंड में रखें। जैसे आप शिव भगवान, अगर वो आपके इष्ट देवता हैं, आप उनका एक इमेज अपने माइंड में रखिए ओम बोलने के टाइम पे। अगर आप ये करेंगे, अगर आपने ओम का उच्चारण किया, अपने इष्ट देवता को अपने मन में रखा, छोटी सी प्रार्थना बोली, तो जो योग आसन की प्रैक्टिस है वो एक फिजिकल प्रैक्टिस से एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाती है और हम अपने खुद के जीवन में बहुत सारे ब्लेसिंग्स ला सकते हैं। आप ये मन में रखिए कि ये योग जो है फिजिकल एक्सरसाइज में सबसे अच्छा ही है। अपनी ज़िंदगी में मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैं जिम भी गई हूँ, मैंने बहुत सारे खेल खेले हैं, मैंने मैराथन भागे हैं, परंतु जो योग है वो एक इतना सोफिस्टिकेटेड प्रैक्टिस है। जो योग है आपके फिजिकल बॉडी को, आपकी इमोशनल बॉडी को, आपके मेंटल बॉडी को और आपके स्पिरिचुअल बॉडी को, सब को बेनिफिट्स देता है। और ये बस एक ही ऐसी प्रैक्टिस है। तो मेरा ये ख्याल है कि योग जो है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ फिजिकल प्रैक्टिस है। तो सबको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा योग निभाना चाहिए। ये 2 या 3 मिनट का भी योग हो सकता है, 1 या 2 आसन भी हो सकते हैं, पर आप ये कोशिश करिए कि आप कोई ना कोई योग रोज करें। और ये योग ऐसा है कि बच्चे भी कर सकते हैं, बुज़ुर्ग भी कर सकते हैं, जो कुर्सी में बस बैठ सकते हैं वो भी योग कर सकते हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं वो भी कर सकते हैं। तो योग ऐसा है कि सब के लिए योग में कुछ ना कुछ है। मैंने योग कैंसर पेशेंट्स को सिखाया है, मैंने योग जिनको मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको सिखाया है, मैंने योग उनको सिखाया है जिनके आर्म्स नहीं हैं और लेग्स नहीं हैं, और उन सब ने योग किया है। तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप योग अपने ज़िंदगी में नहीं निभाएं। चलिए आज का एपिसोड है कॉन्स्टिपेशन पे। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसा रोग है कि बहुत सारे लोग इससे सफ़र करते हैं, और ये ऐसा है कि हमारे रोज़मर्रा को ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर देता है। अगर हमको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो हमारा मन कहीं और नहीं लगेगा, बस यही हमको लगेगा कि कुछ पेट में है। और जब बॉडी में हम अनकंफर्टेबल हैं तो माइंड में तो डिसकंफर्ट होगा, और उससे फिर आप गुस्सा होंगे, आप इरिटेबल होंगे। तो उसी से अच्छा ये है कि आप कॉन्स्टिपेशन को थोड़ा सा क्योर कर लें। और एक योग की रेगुलर प्रैक्टिस कॉन्स्टिपेशन को बिल्कुल दूर निकाल सकती है, क्योंकि योग जो है आपके लोअर इंटेस्टाइन्स पे काम कर रही है।
इतना ये टारगेटेड प्रैक्टिस है कि ये कॉन्स्टिपेशन को जड़ से हटा देगा। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे खड़े होके। सबसे पहले आप शुरुआत करें थोड़े से वार्म अप के साथ, बॉडी में थोड़ा सा गर्मात होनी चाहिए, तो हल्का सा आप जॉगिंग कर सकते हैं, कुछ ना कुछ करें आप हल्का सा मूवमेंट। अगर आपके लिए जॉगिंग मुश्किल है तो आप अपने पैरों को थोड़ा सा ऊपर नीचे करें, कुछ ना कुछ हल्के से मूवमेंट अगर आप करते हैं तो बॉडी में वो हीट बढ़ती है और जो हीट है वो आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो कुछ ना कुछ आप करें, अगर आप तेज़ करना चाहते हैं तो आप तेज़ करिए, जो आपकी एबिलिटी है आप उससे अच्छे से करिए, परंतु योग आसन स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा आपको बॉडी में वार्मथ लाना है। तो इसलिए अगर आप वॉकिंग जा रहे हैं या जॉगिंग जा रहे हैं तो आप योग उसके बाद करिए, तो बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप होने दें और उसके बाद जो योग आसन का बेनिफिट आएगा वो बहुत अच्छा आता है। आप लंबी गहरी सांस लेते हैं, ज़रूरी है कि हर मूवमेंट हम योग में बिल्कुल सांस के साथ करें, और जब आपको लगे कि बॉडी अच्छे से गर्म हो चुकी है आप थोड़ा सा विश्राम करें, हाथ को पीछे बिल्कुल सीधा खड़े हो जाएं, छाती को खोलें, अपने सांस पे ध्यान दें। अगर आप कॉन्स्टिपेशन बहुत हो रहा है तो आप गर्म पानी, हल्का सा गर्म पानी पी सकते हैं, और ये जो मैं योग आसन बता रही हूँ आप उनको पानी पीने के बाद करें तो एकदम से आपका बाउल मूवमेंट शुरू हो सकता है। पैरों को अच्छे से फैलाएं, हाथ से ऐसी हथेली बनाएं और यहाँ से आप पूरे गोल गोल घूमें, लंबी गहरी सांस अंदर और अच्छा सा एक गोला बनाएं। पूरी बॉडी को खींचें आप, जब आप खींचते हैं तो जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो सब खींचते हैं दूसरी ओर। ये बिल्कुल आपको एक लेजी तरीके से नहीं करना है, पूरे बॉडी को खींचें। एक और राउंड, तो आपका पेट जो है गोल गोल घूम रहा है और आपके इंटेस्टाइन को एक अच्छा यहाँ पे मसाज मिल रहा है। दूसरी तरफ सांस के साथ, और जितना नीचे आप आ सकते हैं आप उतना नीचे जाइए, अगर आपके हाथ जो हैं ज़मीन पे टच हो रहे हैं बहुत ही अच्छी चीज़ है, और आप वापस आ जाएं, फिर आप हाथ को पूरा ऊपर ले जाएं और ताड़ासन का अभ्यास, हथेली को ऊपर की ओर और अपने टोस पे आ जाएं और पूरी बॉडी को ऊपर खींचे, लंबा गहरा सांस और नीचे आ जाएं, थोड़ा सा पैरों को फैलाएं, हाथ को ऊपर रखें और यहाँ से तिरी का ताड़ासन सीधी ओर, वापस उल्टी ओर, वापस। इसको आप डायनामिकली करिए, जितना हो सके आपसे अच्छे से करिए। यहाँ पे भी पूरा मसाज मिल रहा है। शुरुआत आप धीमे करिए, फिर आप इसको आप थोड़ा गहरा ले जा सकते हैं। सांस के साथ और हाथ को अच्छे से ऊपर खींचें और फिर यहीं से पैर थोड़े से पास, हाथ को ऊपर खींचे और यहीं से आप मुड़ जाइए सीधी ओर, वापस उल्टी ओर, सीधी ओर, वापस उल्टी ओर। इसको आप करते रहिए। अब आपको महसूस हो रहा होगा कि पेट में
कुछ ना कुछ मूवमेंट की शुरुआत हुई है। आपको ये कोशिश करना है कि आपका जो पेल्विस है वो बिल्कुल सीधा देखते रहे, ये नहीं कि आपको ज़्यादा ऐसे मुड़ना है, नहीं, हाथ को ऊपर करें और आप कोशिश करिए कि आप ये सीधा कर रखे रहें और आपका निथंब जो है सीधा और हाथ ऊपर और ट्विस्ट, तो यहाँ से आपको ज़्यादा ट्विस्ट मिलेगा आपके इंटेस्टाइन्स में। और फिर वापस आ जाएं और अब आप हाथ को आगे करें, आराम से आप नीचे बैठ जाएं और अब आप अपने पेट पे नीचे आ जाएं। हम अब करेंगे भुजंग आसन का अभ्यास, जिसमें हम इसको थोड़ा सा मूवमेंट के साथ करेंगे। हाथ को अपने शोल्डर्स नीचे रख लें, चिन को आगे, और ये कोशिश करिए कि आपके हील्स जो हैं, एड़ियां हैं, वो साथ हैं, ऊपर और नीचे। इनहेल और एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल। इसको आप डायनामिकली करते रहिए और अगर आपको लगे कि आप इसको होल्ड कर सकते हैं, आप इसको होल्ड करें और ये बहुत ही अच्छा प्रेशर बनाएगा आपके पेट पे। आपका पूरा प्रेशर आ रहा है लोअर इंटेस्टाइन पे और यहां से आप सीधी ओर मुड़े वापस, उल्टी ओर मुड़े वापस। तो थोड़ा सा ट्विस्टिंग प्रैक्टिस यहाँ पे हमारा हो गया और हमारे पेट पे हल्का सा यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है। आप इसको थोड़ा सा ऊपर आ जाएं और पीछे देखें, इसको होल्ड करते रहिए आप। वापस उल्टी ओर, और वापस और नीचे आ जाएं। फिर आप घुटने पे आ जाएं, हाथ को शोल्डर के नीचे, और यहां से कोशिश करिए आप मंजरी आसन, बीतल आसन की। इसको आप एक मिनट तक करते रहें। ये जो डायनामिक मूवमेंट्स हम कर रहे हैं, ये आपके कब्ज को बिल्कुल हटा सकता है, सांस के साथ और फोकस आपके पेट पे। जब आप आसन कर रहे हैं, आपको उसी बॉडी पार्ट में ध्यान रखना है जो आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी कब्ज का रोग हटा रहे हैं, तो आप लोअर इंटेस्टाइन पे फोकस करते रहे। इस व्यायाम का अभ्यास मिनिमम एक मिनट के लिए करें। इसको आप 3 से लेकर 5 मिनट तक भी कर सकते हैं और फिर आप वज्रासन में आ जाएं। छाती को खोलें, लंबा गहरा सांस, और अब हम करेंगे हमारे आखिरी आसन का अभ्यास, अर्ध मत्स्येन्द्र आसन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है कब्ज के लिए, तो आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए, क्योंकि इसमें हमको थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ता है, तो ये ध्यान में रखना पड़ता है कि डायरेक्शन ठीक है। तो अब वज्र आसन में आ जाएं और यहाँ से अपना निथंब आप लेफ्ट साइड ले आएं, सीधा पैर ऊपर। तो अब इस स्थिति में आ जाएं और अपना घुटना है छाती की ओर, हाथ को फैलाएं और यहाँ से छाती को खोलें, और अब आप सीधा हाथ पीछे, उल्टा हाथ घुटने पे और ट्विस्ट हो जाएं। लंबा गहरा सांस और इसको होल्ड करते रहिए और ये कोशिश करें कि ठुड्डी बाजू की ओर जा रही है, और प्रेशर लगाइए पेट पे, जितना ज़्यादा ट्विस्ट होता है उतना ज़्यादा अच्छा। और वापस ले आए वही चीज़ दूसरी ओर। तो शुरुआत करेंगे वज्रासन में, दोनों पैर
उल्टी ओर, लेफ्ट लेग ऊपर, और इस स्थिति में आप कंफर्टेबल हो जाएं घुटना छाती की ओर, हाथ को फैलाएं, छाती को खोलें, गहरी सांस के साथ ट्विस्ट करें और पीछे देखिए। सीधे बैठने की कोशिश और यहाँ पे आंख बंद करके लंबा गहरा सांस, और आप वापस आ जाएं। और थोड़ा सा आप इन आसनों के बाद आप शवासन में आप 2 या 3 मिनट आप रह लें, क्योंकि काफ़ी समय कॉन्स्टिपेशन या कब्ज स्ट्रेस के कारण भी होता है। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं तो हमारी एनर्जी भी ब्लॉक हो जाती है। अगर सोचा जाए तो कॉन्स्टिपेशन एक एनर्जी ब्लॉकेज है, तो इसलिए थोड़ा सा शवासन में आप अगर अभ्यास करेंगे और बस ये सोचेंगे कि मेरा कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो रहा है, मेरा स्ट्रेस रिलीज़ हो रहा है, तो ये भी एक सिंपल एक्टिविटी के साथ भी हम अपना कब्ज ठीक कर सकते हैं। बस ये आप सोचिए कि आपको थोड़ा सा इसको रेगुलरली करना है। अगर आपको कब्ज बार बार हो रहा है तो इस सीक्वेंस को आप रिपीट करते रहें। अगर आपको कब्ज हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो आपको क्या खाना चाहिए? इसमें बहुत ही अच्छी रेमेडी होती है अंजीर। अंजीर में, फिग्स में बहुत सारा फाइबर होता है, तो आप थोड़े से अंजीर को लीजिए। अंजीर को आप ओवरनाइट थोड़ा सा पानी में भिगो दें, उसको सोक करिए, और फिर दूसरे मॉर्निंग आप अंजीर को थोड़ा सा खाएं। 2 या 3 अंजीर आप काट के खा सकते हैं। बच्चों में खासतौर ये बहुत अच्छी तरीके से काम होता है अंजीर। तो अंजीर एक, उसमें बहुत सारे गुण हैं, फाइबर भी बहुत है, इसमें पोटाशियम भी काफ़ी है, मैग्नीशियम भी काफ़ी है, तो इसलिए अंजीर आप मन में रखिए कब्ज के लिए बहुत ही अच्छा है। परंतु आपको भिगोना पड़ेगा, आप भिगोने के बाद ही उनको खाइए। अगर आप ऐसे खा लें तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो काफ़ी सूखे में हमको अंजीर मिलते हैं, है ना। तो ड्राई फ्रूट का अंजीर आपको भिगोना पड़ता है। आप ये रेमेडी ट्राई करिए और आई एम श्योर कि आपको ये मदद करेगा और कब्ज जैसे समस्या से आप मुक्त हो जाएंगे। मेरी ये उम्मीद है कि मैंने जो आपको आज आसन बताए हैं, मैंने जो आपको रेमेडीज दी हैं, वो आपको कब्ज से मुक्त करेगा। मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए GNT ओम शांति ओम पर।